Good morning students, in today's video I'll explain the remaining chapter, that is chapter number 5-6, the fox and the cat again. So I request you all to please open page number 33. So jo Pinocchio hota hai wo pani lekar aata hai aur jis jagah उसने अपने गोल्ड कॉइन्स को बोया था वहाँ पे वो पानी डालता है, और उसके पास कोई बकेट नहीं थी इसलिए वो जो पानी है वो अपने एक शूज़ में कलेक्ट करके लाता है. द फॉक्स देन सेड, नाउ वी मस्ट गो अवे, यू शुड कम बैक इन अबाउट 20 मिनट्स, यू विल सी अ लिटिल ट्री ग्रोइंग थ्रू द अर्थ, इट्स ब्रांचेस कवर्ड विद मनी. अब जो फॉक्स है वो क्या कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं, और आप पिनोकियो आप अबाउट 20 मिनट्स के बाद यहाँ से आना. और आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक अर्थ में से ज़मीन में से ट्री ग्रो कर रहा है, और जिसकी जो ब्रांचेस हैं, जो उसकी शाखाएं हैं, वो मनी से कवर्ड है, पैसों से कवर्ड है. द पुअर पपेट वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय एंड ही promised to give the fox and the cat lovely presents. अब जो पपेट था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने प्रॉमिस किया कि वो फॉक्स को और कैट को लवली प्रेजेंट्स देगा. प्रेजेंट्स मीन्स गिफ्ट्स. वी डोंट वॉन्ट प्रेजेंट्स, आंसर द टू स्काउंड्रल्स. स्काउंड्रल मीन्स बदमाश या वेरी बैड पर्सन. इट्स Quite enough for us to have shown you how to get rich without any hard work. That makes us as happy as can be. With these words, they said goodbye to Pinocchio and wishing him a splendid harvest. Splendid means shandar and harvest means fasal. They went about their business. फिर उन दोनों ने, फॉक्स और कैट ने आंसर दिया कि हमें प्रेजेंट्स नहीं चाहिए, और हमारे लिए यही बहुत अच्छा है कि तुमको बताएं कि कैसे हम रिच बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, विदाउट एनी हार्ड वर्क, बिना ज़्यादा मेहनत करें. सी कितनी गलत बात बताई इन दोनों ने पपिट को, और उन्होंने कहा कि यही चीज़ हमको हैप्पी करती है. और इन वर्ड्स के साथ उन्होंने पिनोकियो को गुड बाय कहा और उसको स्प्लेंडेड हार्वेस्ट के लिए विश करा, और वो अपने काम को चले गए. द पपेट वेंट बैक टू द टाउन एंड स्टार्टेड टू काउंट द मिनट्स वन बाय वन. व्हेन ही थॉट 20 मिनट्स वर ओवर, ही रैन बैक टू द फील्ड ऑफ मिरेकल्स. अब क्या होता है, जो पपेट होता है वो टाउन को वापस चला जाता है और वन बाय वन करके मिनट्स को काउंट करने लगता है. जब उसको लगा कि 20 मिनट्स पूरे हो गए, तब वो वापस फील्ड ऑफ मिरेकल्स पे भाग कर गया. ही रैन एज फास्ट एज हिज फीट कुड टेक हिम, हिज हार्ट बीटिंग लाइक अ ग्रैंडफादर क्लॉक. ग्रैंडफादर क्लॉक मीन्स, पुराने टाइम में आपने देखी है कि बहुत बड़ी सी जो घड़ी होती है, बड़ा सा एक वुडन बॉक्स होता है और उसके अंदर घड़ी होती है, उसको ग्रैंडफादर क्लॉक बोलते हैं. और वो जितना तेज़ हो सके उतनी तेज़ भागा, और जिसका हार्ट था वो ग्रैंडफादर क्लॉक की तरह बीट कर रहा था, मतलब बहुत तेज़ बीट कर रहा था. व्हेन ही रीच द फील्ड एंड स्टॉप्ड, ही कुड नॉट सी एनी ट्री लिटन विद मनी. ही वेंट to the spot where he had buried. Buried means दफनाना, मिट्टी में कोई चीज़ को गाड़ना. His gold pieces, but found there absolutely nothing. और जब वो फील्ड पर पहुँचा और रुका, तो उसने देखा कि वहाँ तो कोई भी पेड़ नहीं है जो कि मनी से भरा हो. लेडन मीन्स भरा होना. फिर वो उस जगह पर गया जहाँ पे अपने गोल्ड पीसेस को उसने बोया था. फिर जब उसने वो जगह खोदी, तो उसको क्या दिखा कि वहाँ पर कोई भी गोल्ड पीस नहीं है, कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं है. जस्ट देन ही हर्ड समवन लाफिंग लाउडली, इट वॉज अ पैरट सिटिंग ऑन अ ट्री. फिर तभी उसने सुना कि कोई बहुत तेज़ हंस रहा है,
और वो कौन था? एक पैरट था जो कि ट्री पर बैठा हुआ था। आर यू लाफिंग एट मी यू इल मैनर्ड पैरट, शाउटेड पिनोक्यो एंग्रीली। अब पिनोक्यो ने गुस्से से कहा कि तुम मुझ पे लाफ कर रहे हो, मुझ पे हंस रहे हो, तुमको बिल्कुल तमीज़ नहीं है। यस पुअर पिनोक्यो, यू आर सो सिंपल एज टू बिलीव दैट यू कैन सो एंड हार्वेस्ट मनी लाइक बीन्स एंड पम्पकिंस। टू अर्न मनी ऑनेस्टली, ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से, यू मस्ट नो हाउ टू डू इट बाय वर्किंग हार्ड विथ योर हैंड्स और योर ब्रेन्स। फिर पैरट ने पिनोक्यो से कहा कि बेचारे पिनोक्यो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो, तुमको इतना भी नहीं पता कि पैसे बोने से और फसल काटने से तुम पैसा कमा सकते हो। जैसे कि हम बीन्स और पम्पकिंस को सो करते हैं, उनको बोते हैं और फिर उसको काटते हैं, क्या तुम भी इस तरीके से गोल्ड कॉइन्स को बोकर पैसा कमा सकते हो? तुमको पता होना चाहिए कि हम ऑनेस्टली मनी कैसे अर्न कर सकते हैं। इसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड विद योर हैंड्स और योर ब्रेन्स। इसके लिए तुमको अपने हाथों से और अपने ब्रेन से, अपने ब्रेन को यूज़ करके अच्छे से मेहनत करनी है। नाउ टर्न द पेज। इट कंटिन्यूड, द फॉक्स एंड द कैट आर कनिंग थीव्स। कनिंग मीन्स चालाक और थीव्स मीन्स चोर। While you were away, they returned here, dug out your money and ran away like the wind. Dug means खोदना। फिर उसने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद वो फॉक्स और कैट वापस यहाँ पर आए थे, उन्होंने मिट्टी खोद कर तुम्हारे पैसे लेकर यहाँ से विंड की तरह चले गए। Pinocchio trembled, trembled means कपकपाना, with fear. He dug furiously, furiously means जमकर, until the hole was big enough for a haystack. Haystack means सूखी घास का गट्ठर या ढेर। But there was no money. Then he ran back to the town and went to the courthouse. He wanted to complain about the two rascals who had robbed him. अब जो होता है, उसने बहुत जमकर गड्ढा खोदा, बट वहाँ पे उसको मनी नहीं मिली। फिर वो टाउन में वापस भाग कर गया और कोर्ट हाउस गया, जहाँ पे हम अपनी कंप्लेन करा सकते हैं। उसका मतलब यहाँ पे उसका मतलब है कोर्ट हाउस, क्योंकि वो वहाँ पर उन दोनों के खिलाफ अपनी कंप्लेन कराना चाहता था जिसने उसको लूटा, उसको रॉब किया। द जज वॉज एन ओल्ड गोरिल्ला हु वॉज वेरी ओल्ड एंड लुक्ड रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल मीन्स सम्मानित। ही लिसन टू पिनोक्यो स्टोरी वेरी पेशेंटली एंड सीम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हिम। फाइनली He rang a bell and two huge dogs appeared in front of him, dressed like policemen. The judge pointed to Pinocchio and said, "This poor fellow has been robbed of his 4 gold pieces. Take him to the prison immediately." Prison means jail. Poor Pinocchio tried to protest. Protest means virodh karna. But the policeman did not waste any time and took him off to jail. There he remained for 4 months and would have stayed longer but for a stroke of luck. The king of Fool's Trap won a big victory over his enemies and there was great rejoicing. The king ordered that all the prisoners means kaidi, should receive their freedom, and so Pinocchio was set free. 2. अब जो जज था वहाँ का, कोर्ट हाउस का, वो एक गोरिल्ला था जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड था और बहुत ज़्यादा सम्मानित लग रहा था। तो पिनोक्यो ने अपनी सारी स्टोरी उनको बताई और जो गोरिल्ला था उसको पिनोक्यो के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर उसने एक बेल बजाई और 2 huge dogs वहाँ पर आए जो कि पुलिसमैन की तरह ड्रेस्ड अप थे। फिर जज ने पिनोक्यो की तरह पॉइंट आउट करा और उन्होंने कहा कि इस बेचारे पिनोक्यो के किसी ने 4 gold pieces को चुरा लिया है, उसको तुरंत ही जेल में ले जाओ। पिनोक्यो ने कोशिश करी प्रोटेस्ट करने की, मगर उसने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको जेल में डाल दिया। और जो पिनोक्यो था वहाँ पे 4 months तक रहा। अब लक ने पिनोक्यो को साथ दिया। जो फूल्स ट्रैप टाउन का किंग था, उसने अपने एनिमीज़ को हराया था और वो
वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब लोग रिजॉइस कर रहे थे, जिसकी वजह से किंग ने ऑर्डर किया कि जितने भी कैदी हैं सबको छोड़ दिया जाए। इसी वजह से पिनोकियो को भी छोड़ दिया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।